तो दोस्तों बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के ऑक्शन को लेकर के कई बड़े अपडेट दे दिए। तो ऐसे में आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन होगा या फिर मिनी ऑक्शन, वहीं सभी टीमों का पर्स बैलेंस क्या रहेगा, इस वीडियो में आपको आईपीएल 2025 के ऑक्शन से जुड़ी पांच बड़ी अपडेट जानने को मिलने वाला है। तो ऐसे में कौन कौन सी वो पांच बड़ी अपडेट है, इस वीडियो में आपको वन बाय वन करके सभी जानकारी जो है मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो रहने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को लेकर के एक बड़ी मीटिंग रखी थी जिनमें आईपीएल के सभी ओनर्स मौजूद थे। सभी आईपीएल के ओनर से पूछा गया कि आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन करवाया जाए या फिर मिनी ऑक्शन। तो कुछ ओनर्स का कहना था कि मेगा ऑक्शन हो, तो वहीं कुछ ओनर्स का कहना था मिनी ऑक्शन हो, जिस पर बीसीसीआई ने बड़ी अपडेट दे दी है। और बीसीसीआई आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन कंडक्ट करवाने वाली है, यानी कि आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन होगा। वहीं दूसरी जो अपडेट है आरटीएम कार्ड को लेकर के, जो जैसा कि लास्ट टाइम आरटीएम 2016 में हमें देखने को मिला था, लेकिन अब आईपीएल 2025 में एक बार फिर आरटीएम का इस्तेमाल देखने को मिलने वाला है। आरटीएम यानी राइट टू मैच। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुंबई इंडियंस का खिलाड़ी जो कि तिलक वर्मा है, और तिलक वर्मा आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का पार्ट बनते हैं, और मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग उन्हें 5 करोड़ रुपीज में खरीद लेती है। लेकिन एक बार फिर मुंबई इंडियंस से पूछा जाएगा कि क्या तिलक वर्मा को आप लेना चाहते, तो आरटीएम का इस्तेमाल करके तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है, जो कि मात्र एक ही आरटीएम का इस्तेमाल आईपीएल 2025 में सभी टीमें जो है कर सकती हैं। और अब बात करें तीसरी बड़ी अपडेट का, तो प्लेयर्स रिटेंशन को लेकर है। तो जैसा कि मैक्सिमम 4 प्लेयर टीमें रिटेन कर सकती हैं, लेकिन अनकैप्ड प्लेयर शामिल नहीं थे। लेकिन आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले टीमें जो है एक अनकैप्ड प्लेयर को भी रिटेन कर सकती हैं, जो कि काफी बड़ा अपडेट है। वहीं चौथी जो बड़ी अपडेट है पर्स बैलेंस को लेकर है। तो आईपीएल 2025 के लिए बीसीसीआई पर्स बैलेंस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी करने वाली है। सभी टीमों का जो पर्स बैलेंस आईपीएल 2025 के लिए रहने वाला है वो लगभग 130 से 140 करोड़ हो सकता है। 130 से 140 करोड़ बीसीसीआई पर्स बैलेंस सभी टीमों का जो है आईपीएल 2025 के लिए कर सकती है। वहीं पांचवी जो बड़ी अपडेट है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन डेट को लेकर है। तो आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन जो है दिसंबर में होने वाला है। कई रिपोर्ट की माने तो मिड दिसंबर में आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन हमें देखने को मिल जाएगा, और मेगा ऑक्शन जो होता है टोटल 2 दिनों तक चलता है। दोस्तों आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में बेन स्टॉक, जेमी निसिम, स्टीव स्मिथ समेत कई बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का पार्ट बनेंगे। तो आपको क्या लगता है बेन स्टॉक को कौन सी टीम में खरीदेगी, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों ये रही आईपीएल 2025 और आईपीएल 2025 के ऑक्शन से जुड़ी सभी जानकारी। तो दोस्तों इस वीडियो बताने, अगर आप वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।